विक्रम संवत 2080 दिन शुक्रवार भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से पितरों का आवाहन महालय आरंभ का कार्य आरंभ हो जाएगा। एक सनातनी संतान के रूप में जो साधक है, जो साधना करेगा इन 16 दिनों में, वह अपने जातक जिसमें जन्म लिया और मृत्यु हुई उसके प्रति पूर्ण श्रद्धा और कृतज्ञता के भाव रखते हुए इन 16 दिवसों में जिसमें भी उनके जातक की तिथि हो स्थिति पर उनका आवाहन करेगा, नमन करेगा। फिर जो तर्पण कर रहा है वह यहाँ पर तर्पण करके या घर पर तर्पण करके भोजन के चार भाग निकालता है, गाय के लिए, कुत्ता के लिए, कौआ के लिए, कन्या के लिए, और यह चारों भाग के बाद अग्नि में 7 आहुतियाँ अर्पित की जाती हैं, 3 बार घी, 3 बार शक्कर या गुड़ और 1 बार धूप छोड़कर उन पितरों का नमन आवाहन किया जाता है। जो तर्पण करता है वो और उसकी पत्नी के लिए 16 दिन यम नियम संयम ब्रह्मचर्य से रहने के नियम कहा गया है। ना बाहर का वो कुछ किसी प्रकार का भोजन कर सकता है, ना वह लकड़ी खारी शमशान घाट जाना उसका वर्जित है। केवल और केवल इस पितचर्या माने पितरों के प्रति वह तपस्या जो उन्होंने हमें समाज में एक नाम मुकाम के रूप में प्रतिष्ठित करने की आशीष के रूप में दी है, यही इस पितृपक्ष का मूल उद्देश्य होता है।